नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो 14 जून को एक बड़ी घटना हुई है उसका सीधे सीधे एक बहुत बड़ा कनेक्शन दुबई से निकल कर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को आकस्मिक हालत में पाए गए थे, जिसे देखने के बाद हर कोई पूरी तरह से सन्न रह गया था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे और उनका अचानक से इस तरह से ऐसे हालात में पाया जाना हर किसी के लिए एक बेहद ही चौंका देने वाली खबर थी। लेकिन आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो जाने के बाद इस केस में बहुत सारे बड़े खुलासे हुए हैं और फाइनली अब जो बड़ा खुलासा हुआ है उसका संबंध सीधे सीधे दुबई से देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी और सीबीआई छानबीन कर रही है और इस केस में एक से बढ़कर एक खुलासे भी हुए हैं, जिसे देखने के बाद हर कोई पूरी तरह से दंग रह गया। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच एनसीबी के हाथ कई सारी कामयाबी मिली और साथ ही बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन आपको बता दें कि अब खबर आ रही है कि एनसीबी को एक ऐसे शख्स पर शक है जो कि दुबई से उसका सीधे सीधे रिलेशन है और साथ ही ड्रग्स की लेन देन ना सिर्फ भारत में बल्कि दुबई तक जैसे मशहूर कंट्रियों को भी करता है और इसी वजह से एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत केस का दुबई कनेक्शन भी निकालने में जुट गई है। आपको बता दें कि जब से सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक बड़ी घटना हुई उसके बाद से ही लगातार ड्रग्स पेडलर की पोल खुलती नजर आई थी और उसके बाद से ही देखने को मिला था कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का केस ना सिर्फ नेशनल था बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उन तमाम ड्रग्स पेडलर की पोल खोलने वाला था जो कि पूरी तरह से पूरे देश और दुनिया में ड्रग्स का बड़े लेवल पर कारोबार करते हैं। और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत केस में एक से बढ़कर एक खुलासे हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक आरिफ भुजवाला पकड़ा गया, जिसके बारे में देखने पर पता चला कि आरिफ भुजवाला जब एनसीबी इसको पकड़ने वाली थी तो ये खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एनसीबी ने इसकी कॉलर पकड़कर इसको धर दबोचा और इसके बाद इससे जब पूछताछ हुई तो जाकर के पता चला कि ये कोई छोटा मोटा ड्रग्स पेडलर नहीं है बल्कि इसने ना जाने कहां कहां पर ड्रग्स की सप्लाई की है। और इसी वजह से एनसीबी को पता चल पाया कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का इंटरनेशनल लेवल पर क्या रिलेशन था। आपको बता दें कि एनसीबी इस केस में पूरी तरह से चौकन्नी है और आने वाले दिनों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एनसीबी अभी आने वाले दिनों में भी कई सारी गिरफ्तारियां करने वाली है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एनसीबी इन्हीं सब के बीच में किसी सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिम को भी पकड़ लेगी। लेकिन यह भी देखना होगा कि किस तरह से एनसीबी छानबीन करती है और कैसे एनसीबी असली मुजरिम के गिरेबान तक पहुंचती है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कि फाइनली अंकिता लोखंडे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड थी, अभी हाल ही में उन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब से सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से गए हैं उसके बाद से उनके चाहने वाले अक्सर करके उनको याद करते हैं और जब भी सुशांत सिंह राजपूत की किसी को भी याद आती है तो हर कोई उनको याद करके रोने लग जाता है। और ठीक ऐसा ही अंकिता लोखंडे के भी साथ हुआ जब वो भी सुशांत सिंह राजपूत को याद करके अचानक से ही रोने लग गईं। दरअसल बात ये थी कि अंकिता लोखंडे को अचानक से सुशांत सिंह राजपूत का एक गाना सुनाई दिया, जिसे सुनने के बाद अंकिता लोखंडे पूरी तरह से भावुक हो गईं और वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सोचने लग गईं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत आज अगर हमारे बीच में होते तो कितना अच्छा सब कुछ होता। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से जा चुके हैं पूरी तरह से, इसी वजह से अंकिता लोखंडे पूरी तरह से अपने ख्यालों को व्यक्त करके और वो रोने लग गईं। तो ये थी बड़ी खबर। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।